काशीपुर में एक बार फिर सरकारी अस्पताल में पैसे लेकर डिलीवरी कराने का मामला सामने आया है। डिलीवरी के लिए ऑपरेशन के नाम पर काशीपुर में सरकारी अस्पताल की डॉक्टर ने मरीज को तीमारदार से ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए मांगे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डिलीवरी के लिए ऑपरेशन से पहले 2,000 रुपए दिए गए, जिसके बाद डिस्चार्ज से पहले 3,000 रुपए की मांग और की गई। परिजनों ने इस मामले की शिकायत CMS से की, उसने उल्टा परिजनों को ही फटकार लगाई, जबकि पैसे लेने के आरोपी महिला डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले एक गरीब पति ने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच ऑपरेशन कराया था। वो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होगा, तुमने कि ऑपरेशन करो तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए लगेंगे, तो 2,000 तो जमे कर दिया, बचे रुपए 3,000। उन पैसों की व्यवस्था नहीं मिल रही है, अब बनेंगे छुट्टी मिली ना, हर किसी के 4 दिन में छुट्टी हो जा रही, हमारी होगी आ रही हैं, बोल रही हैं कि पेमेंट दो बकाया और बुला लो उन्हें। हमने छुट्टी की जब कागज़ लेने आए, हमने कागज मिल रहे हैं छुट्टी ले गए, बोल रहे हैं बुला लो जो दीदी आई तुम्हारे साथ में, पेमेंट करा दो पिछली बकाया। जैसे अभी भी उसने कहा कि मैंने पूछा उसे डॉक्टर ने लिए, डॉक्टर ने नहीं, कोई सीमा लड़की नाम की लड़की बता रही है, और हमारे चिकित्सालय में सीमा नाम की कोई महिला कोई कार्य ना कार्य करती है, ना वार्ड बॉय है, ना स्टाफ नर्स है, लेकिन हमारे कर्मचारी की कोई संलिप्तता नहीं है इसमें। तो ये कौन है मैं नहीं जानता, ये हमारा हमारे चिकित्सालय तो नहीं है, चिकित्सालय के तो नहीं है।